हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में आपसी टेक में। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, यूटी या गारंटी क्रेन में कैसे VFD से UMI ब्रेक कनेक्ट करते हैं, मैग्नेटिक 190 वोल्ट DC ब्रेक को कैसे रिले के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ एक रिले से। तो वीडियो पूरा देखें, VFD में इसका पैरामीटर भी बताया गया है कैसे स्विचिंग पैरामीटर करना है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, विथ ड्राइंग के साथ बताया गया है, एक एक चीज़ आराम से देख के समझे, और समझ में ना आने पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर और नए वीडियो बनाने की। अब मैं बताता हूँ आपको VFD में पैरामीटर डालना। तो सबसे पहले हम जाएंगे P6002 में 1 कर देंगे, ये स्विचिंग का पैरामीटर है। P6002 में 1 कर देंगे, सिर्फ एक पैरामीटर आपको याद रखना है। ये जो ये आपको दिख रहे हैं, स्विचिंग करी है मैंने इसकी, RO1 ए और RO1 C में, जो कि NO पॉइंट है VFD का। जैसे हम रन करेंगे इसको, इसके साथ ये NO स्विचिंग काम करेगा और इसके साथ रिले ऑपरेट होगी और रिले के थ्रू कॉन्टैक्टर ऑन ऑफ होगा जिससे हम ब्रेक कनेक्ट करेंगे। तो पहले आप अच्छे से वायरिंग डायग्राम समझ लें, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक डेस्क बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, इस पर मैंने एक नॉर्मली तरीके से VFD का और कॉमन S1 S2, जो कि रिवर्स फॉरवर्ड, और ये स्विचिंग के लिए कॉमन NC और NO, इसके बाद ये कॉन्टैक्टर, तो और ये रिले का एक नॉर्मली डायग्राम बनाया एकदम इजी तरीके से, पावर सप्लाई और ये लाइन 1 लाइन 2 मेन सप्लाई और रेक्टिफायर ब्रेक DC 415 से 190 DC वोल्ट। तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा कैसे इन सबको कनेक्शन करके आपको करना है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 190 का एक ब्रेक है, DC ब्रेक, मैग्नेटिक ब्रेक। सबसे पहले इसके कनेक्शन इजी होते हैं, वैसे कोई भी कर लेता है, तो मैं बता देता हूँ। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों ये कनेक्शन कर दिए इसके, बहुत इजी स्टेप बता रहा हूँ आपको। इसके बाद ये आप जो एक स्विच टाइप देख रही है, NO स्विच है, इसको हम क्या करेंगे, जो ब्रेक का सप्लाई देते हैं उसके कॉन्टैक्टर के NO के थ्रू इसको स्विचिंग कर देंगे। इसका मेन काम जो होता है वो लोड पे वजन को स्ट्रांगली डाउन या अप करते समय रोकना है, एकदम रुक जाता है, इससे हल्का सा डाउन नहीं आता। अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो काफ़ी डाउन आने के बाद ब्रेक काम करेंगे सडनली स्टॉप के लिए। फिर इसके बाद ये कॉन्टैक्टर के दो फेज हम लिंक कर देंगे L1 और L2 से, जो कि ब्रेक के रेक्टिफायर में कनेक्ट जाएंगे इसके बाद यहाँ से कॉन्टैक्टर के थ्रू L1 L2। स्टेप बाई स्टेप देखकर अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों फेज हमने कॉन्टैक्टर के नीचे की साइड में दे दिए हैं, ऐसे तो ऊपर देते हैं, बाकी ऐसे ही मैंने आपको बताने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जहाँ पे लिखा है रेक्टिफायर में 2 AC पॉइंट, यहाँ पे हमें ये दोनों L1 L2 कॉन्टैक्टर से कनेक्ट होते, ओके, AC1 और AC2 में दोनों में। ये रेक्टिफायर और कॉन्टैक्टर और ब्रेक का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब हमें इसको होल्डिंग कैसे करवानी है वो देखना है। कॉन्टैक्टर को होल्ड जो कराएंगे VFD से, मेन चीज़ ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं बिना VFD भी। अब इसको अगर आपको करना है तो ये 24 वोल्ट पावर सप्लाई है हमारे पास, जो 230 से ऑपरेट होती है या जिससे भी होती है, वो सप्लाई हम यहाँ पर देंगे। तो मैं इसको 230 से बता देता हूँ
एक भेज देते थे इसमें लाइन वन और एक न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। पावर सप्लाई 24 वोल्ट डीसी, ये काम पूरा हो गया। बहुत इजी काम रहा है, थोड़ा सा ही लगभग हमारा काफ़ी काम तो हो चुका है। अब क्या करेंगे, जो 24 वोल्ट नेगेटिव है वो सारे हम कॉमन कर देंगे, लिंक कर देंगे, सब लूप कर देंगे। तीन रिले हैं, हमने तीन रिले बताई है यहाँ पे, क्यों हमने S1 S2 दो ही काम लिया और एक ब्रेक के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है कॉमन को दो, क्योंकि हम S1 S2 रिवर्स फॉरवर्ड ही काम में ले रहे हैं, इसलिए दो रिलों को यहाँ पे कॉमन कर देंगे। दोनों एनो पॉइंट है, दोनों जो एनो पॉइंट एक एक छोर बचता है वो S1 और S2 की जगह हम यूज करेंगे। इससे पहले एक और चीज़ बता दूं, आपको डायरेक्ट डीसी सप्लाई से 24 वोल्ट लेना है और उसको कॉमन स्विचिंग में, जो आप देख सकते हैं RO1A ये कॉमन है, RO1B ये NC है और RO1C ये NO है। तो डायरेक्ट 24 वोल्ट आपको डीसी जो है वो A में दें, यानी कॉमन में देना है, उसके बाद RO1C यानी NO से प्लस में डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है, रिले के जो प्लस पॉइंट है उसमें डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि NO पॉइंट दो बच जाता है इसमें, इसका अभी हम बताएंगे आपको। इसको नेगेटिव मिल चुका है और पॉजिटिव डायरेक्ट जैसे ही हम VFD ऑन करेंगे ये स्विचिंग VFD का ऑन होगा और रिले को सप्लाई मिलेगी और कॉन्टेक्टर ये पॉजिटिव हम एक लाइन से जोड़ देते हैं। और जैसे कि A2 हमने यहाँ से दे दिया, आप देख सकते हैं NO पॉइंट से A2 दे दिया है और A1 को हम नेगेटिव न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे, अब न्यूट्रल कहीं से भी ले सकते हैं हम। A1 को 220 सप्लाई का कॉन्टेक्टर है दोस्तों, नॉर्मली वही यूज होते हैं ज़्यादातर, इसको हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ये न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया, अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, A2 को हमने फेज लाइन जो दी है 220 वाट 230 वाट, या फिर हमें भी यहाँ भी एक फेज ला के छोड़ना है। इससे पहले S1 और S2 को हम NO पॉइंट में ला के लूप कर देते हैं, जो कि हमने लूप करा था एक नंबर और दो नंबर रिले में। ये VFD का लगभग कंप्लीट हो गया अप डाउन। अब जैसे ही हम अब S1 S2 में सप्लाई देंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्विचिंग होगा VFD का NO और उससे वो शॉर्ट होगी रिले, तीन नंबर रिले जो है, और उससे A2 कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। अब वापस एक 24 वोल्ट लेंगे और इन सबको रिमोट की तरह स्विचिंग करेंगे S1 और S2 को, NO से S1 S2 और ये स्विचिंग, हम रेक्टिफायर को स्विचिंग क्यों करते हैं इसका भी मैं बताता चलूँ। स्विचिंग इसलिए करते हैं कि हम जब हैवी लोड पे हम इसको लटकाते हैं, लोड लटकाते हैं, जब हम डाउन करते हैं तो वो लोड क्या होता है, डाउन आ जाता है, मतलब
जहाँ पे हम स्टॉप करते हैं वहाँ पे स्टॉप ना होके थोड़ा और डाउन आ जाता है, तो इसीलिए हम ब्रेकिंग स्विचिंग का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दूं, देख सकते हैं कॉन्टैक्टर है, ये VFD है। जैसे ही हमने ऑन करा, ये स्विचिंग ऑन हुई, NO से NC बना, ये रिले आप देख सकते हैं होल्ड हो गई। ये ब्रेक कॉन्टैक्टर की रिले हैं जो कि एक डायरेक्ट चॉइस वोल्ट आ रहा है स्विचिंग होके रिले में। जब भी VFD को हम कमांड देंगे पुश बटन से या S1 S2 से, S2 S1 ऑपरेट कराएंगे शॉर्ट करके, देख सकते हैं जैसे S2 ऑपरेट करवाया उसके साथ ऑटोमेटिकली ब्रेक कॉन्टैक्टर भी होल्ड हो गया। S1 को ऑपरेट कराएंगे तो भी ब्रेक कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। तो बहुत इजी तरीका है दोस्तों, एकदम देख के समझे अच्छे से और बहुत सेफ्टी। ये देख सकते हैं जैसे मैंने S2 में सप्लाई दी तो कॉन्टैक्टर होल्ड हुआ ब्रेक का। S1 में दिया तो भी होल्ड हुआ। यहाँ पे हमने 220 वोल्ट सप्लाई से स्विचिंग करा इस कॉन्टैक्टर को, और यहाँ से कॉन्टैक्टर के नीचे 415 सप्लाई से रेक्टिफायर में गई, और रेक्टिफायर से 190 कन्वर्ट हो गए DC ब्रेक में गई है। और स्विचिंग के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर के दो वायर दिए हुए हैं। स्विचिंग बहुत ज़रूरी है, हैवी लोड का यूज होता है। तो ये ब्रेक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा पसंद आने पे प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।